करने जा रहे हैं असम राइफल की किट जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे यूज करनी है। ये सबसे पहले देखिए बैग, इस बैग के अंदर काफी चीजें हैं। हम चलो हम खोलते हैं देखते हैं। ओहो, स्टार्टिंग में ही आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो बैग के, ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी असम राइफल्स की। ये सिर्फ आपको आर्मी के अंदर गोरखा राइफल्स के पास ही देखने को मिलती है। अब आप समझ ही गए होंगे क्या चीज है ये। ये देखिए घातक कमांडो किस से दो, देखिए अनबॉक्स कर रहे हैं हम। पूरा एकदम अच्छे से पैक किया गया है भाई, आराम से काफी संभाल के हमको कटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि एक बंदा घायल हो चुका है। हाँ क्योंकि खुद की बहुत खुखरी, बहुत ही खतरनाक है। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ। ओह देख लिए, ये देखिए इसमें निकलता है गोरखा। यस देखो इस, खाली इसकी पैकिंग देखिए और देखो, देखिए खुखरी खुखरी या यस खुखरी और उसकी कवर, कवर है खुखरी का कवर। देखिए पहले से कवर अच्छे से पैकिंग की गई है, तोड़ने में काफी मुश्किल पड़ रही है। ओके ओ इसको बेल्ट में यूज किया जाता है, यहाँ से इसको दिख रहा है आपको बेल्ट में यहाँ से दागर लटकाने के लिए। ये गोरखा राइफल्स के अलावा असम राइफल में, असम राइफल वालों के पास होती है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं असली खुकरी। दो हथियार भी और मिले हैं हमको छोटे छोटे। ये देखिए अब देखते हैं हम खुकरी, ये देखिए इसके अंदर ऑयल लगा है। ये ऑयल लगा है, सब ब्रांड फेल है इसके सामने। जब ये निकलता है इसका हाथ देखिएगा, ग्रिप बहुत अच्छी आती है इसकी। इसमें इंसान को सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वेट भी काफी है इसका, बहुत हैवी है। इसे यूज करने के लिए आपको एक ट्रेंड इंसान ही चाहिए, नॉर्मल बंदा कोई यूज नहीं कर सकता। इसको पैकिंग कर देते हैं मुझे टमाटर आ रहा है। और हम इसे वापस पैक कर रहे हैं और चलते हैं दूसरे सामान की तरफ, देखेंगे खुकरी के अलावा हमें और क्या मिला है। कुकरी के अंदर दो छोटे छोटे कुकरी मिल जाते हैं, दो छोटे छोटे कुकरी मिली हैं। अब आ जाते हैं दो इनर, देखिए दो इनर अच्छे क्वालिटी के, दो बनियान, दो बनियान सेंडो बनियान, दो इनर, दो स्नैकर, दो अंडरवियर, एक नायलॉन, एक नायलॉन सॉक्स और एक बेल्ट फीता जो होता है कंधे वाले फीता। हाँ बेटा जो पिट्ठू बैग जिसमें हम हथियार, ये पिट्ठू बैग हाँ लेकर चलेंगे गोली वगैरह के लिए। राउंड बैग, राउंड बैग इसमें एक और बैग होता है, ये भी पिट्ठू बैग होता है। हाँ इसमें भी अपने हथियार या कोई फाइटिंग के टाइम पर क्या नाम आपको, ये है हमारा ये मच्छरदानी यूज होती है, मच्छर आप तो जानते होंगे यूज होती है। दो दो टॉवल मिले हैं, टॉवल मिलते हैं दोनों सेम साइज। एक इसमें गरम सॉक्स मिलते हैं फुल चूँकि, ये दो आपको फिंगर हैंड ग्लव्स मिल जाती है ठंडी के टाइम यूज करने के लिए। और इसमें और उसके अलावा हम चलते हैं बक्से की तरफ, बक्से में हमें क्या क्या मिला है देखते हैं। कवर के साथ आपको वाटर बॉटल मिल गई, ये हमें कैप मिली है इंडियन आर्मी का, कैप इंडियन आर्मी का काफी मेहनत के बाद मिलता है ये। रस्सी का इसमें आपको दिया जाता है बंडल, एक ये रेनकोट मिल जाता है, रेनकोट मिला है क्योंकि बॉक्स होता है। साबुनदानी मिला है हमको, ये जर्सी होती है ग्रीन जैकेट जर्सी, बहुत गर्म है ये सबसे बेस्ट चीज है। स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग इसको आप सर्दी में भी अगर पहनेंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। इसमें काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, चेन बंद कर सकते हैं आप ताकि आपको मच्छर भी ना काटे। आप देख सकते हैं ये लोहे का बैग होता है,
जो इसकी फ्रेमिंग है वो लोहे से की जाती है, जिससे कि दबे ना और इसमें आराम से इसमें कैरिंग कर सकते हैं सामान को। ये एक बेल्ट होती है इसके अंदर ग्रिपिंग को बांधने के लिए, जो कि ये आ गई हमारी वर्दी। वर्दी तो नहीं है लेकिन वर्दी का स्वेटर, स्वेटर टाइप का है ठंडी में यूज करने के लिए। इसे कहते हैं असली ब्रांड। सब कपड़े इसके आगे फेल हैं। मैट मिल जाता है, ये मिल गया आपको ग्राउंड सीट मैट। ये छोटी बेल्ट होती है थर्मस वगैरह के लिए। एक इसमें आपको मग मिल जाता है, मग मिल जाता है। उसका जो मेन चीज है वो लोगो, वो लोगो ये देखिए सत्यमेव जयते लिखा हुआ है इस पे। अभी हमें ये बॉक्स भी हमें पूरा मिला, इसमें अभी हमारे को जो चीज़ है मेनली जो ड्रेस हमारी यूनिफॉर्म है वो नहीं मिल पाई है, वो भी हमें अभी जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी रनिंग शू और जो ट्रेनिंग शू है वो भी 2 से 3 जोड़ी वो मिल जाएंगे, और इनर वगैरह जो हमारे टी शर्ट है वो भी हमें मिल जाएगी, लोअर मिल जाएंगे। और अगर हमारे कुछ बर्तन है जो हमें अभी नहीं मिले हैं, बर्तन वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आई होप सो आपको कैसी लगी वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और भी आप देख सकते हैं कैमरा बहुत क्लियर है भाई। बहुत सारा सामान है, इतना सामान है कि आपको रखने में बक्सा छोटा पड़ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एक बैग लेने की जरूरत पड़ जाएगी।